हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारे कितने स्पीशीज हैं जो वनरेबल हैं, जो एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो एक्सटिंक्ट होने की बॉर्डर लाइन पे हैं। हमें उन स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड्स का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो वो मेथड्स आप किस में पढ़ोगे? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। अब सबसे पहले है कि व्हाट आर दी रीज़न फॉर कंजर्वेशन, कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है। तो इसके रीजंस जो हैं वो थ्री कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। सबसे पहला रीज़न इज़ नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, नंबर सेकेंड इज़ ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, नंबर थर्ड इज़ इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। जो ये नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे जो हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है, फूड, फायरवुड, फाइबर, डाइज, परफ्यूम्स, मेडिसिंस, रेजिन्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स वगैरह, कॉटन, ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि किसकी रेंज में आएंगी? नैरो रेंज में होंगी। लाइक फूड हो गया, फाइबर हो गया, परफ्यूम्स हो गई, डाइज हो गई, रेजिन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है? बायोडाइवर्सिटी। तो हमारा एक रीज़न ये बनता है कि इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना पड़ेगा। नंबर सेकेंड इज़ ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट। तो अमेजोन फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे टोटल अर्थ एटमॉस्फेयर में टोटल ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है? 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है अमेजोन फॉरेस्ट। मीन्स जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें जितनी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन में 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होता है? अमेजोन फॉरेस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए इनको बोला जाता है लंग्स ऑफ द प्लैनेट। नंबर सेकंड इज़ पॉलिनेशन। जैसे बीज या बर्ड्स पॉलिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं, ठीक है? तो पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स या बीज, ये भी आपका मतलब किस में आ जाता है? ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स में, जो हमें कौन प्रोवाइड करती है? ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी। ओके, एंड एस्थेटिक प्लेजर्स। एस्थेटिक का मतलब होता है विच इज़ रिलेटेड टू ब्यूटी। तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है, अब अगर जैसे आपने देखा होगा गार्डन्स बने होते हैं, कितने पार्क्स हैं, वो कितने ब्यूटीफुल होते हैं, कितने लाइक अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, ग्रास है, पेड़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो हमें और क्या मिलता है इससे? एस्थेटिक प्लेजर्स, मीन्स ब्यूटी प्लेजर्स हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये भी रीजंस हैं कि वाई वी शुड कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। थर्ड इज इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इथिकल आर्ग्यूमेंट्स में क्या आता है? जैसे हमारे बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स, एनिमल्स, प्लांट्स। अब जैसे माइक्रोब्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स आपको डिजीज़ ही करें। कुछ आपको ऐसे माइक्रोब्स भी होंगे जो आपकी हेल्प करते हैं, लाइक लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किस में होता है? कर्ड में होता है। वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से क्या बनती है? एंटीबायोटिक बनती है। तो हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करें, हम अपने लिविंग क्रिएचर्स के वेलबींग को इंश्योर करें। तो ये सब चीज़ें जो मॉरल ड्यूटीज़ हमारी बनती हैं, वो किस में आ जाती हैं? इथिकल आर्ग्यूमेंट्स में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वाई वी शुड कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तीन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली नैरो, ब्रॉड एंड एथिकल। नैरो में जैसे आपका फूड, फायरवुड, फाइबर, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ब्रॉड आर्ग्यूमेंट्स में जैसे आपके इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे अभी बताया कि अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, पॉलिनेशन और एस्थेटिक प्लेजर्स। देन इथिकल आर्ग्यूमेंट्स में ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने लिविंग क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट करें, उनके वेलबींग को इंश्योर करें, ठीक है? उसके बाद अब आपका आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ही अब बेसिक अप्रोचेस। अब वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हो? तो दो बेसिक अप्रोचेस हैं। सबसे पहला इज़ इन सीटू कंजर्वेशन, नंबर सेकेंड इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जस्ट फॉर योर मेमोरी।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो बेसिक अप्रोचेज हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आपका आ जाता है प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ऐसे एरिया जिसको क्या प्रोवाइड की गई है प्रोटेक्शन। उसमें तीन कैटेगरीज हैं, सेक्रेड ग्रूव्स या सेक्रेड लेक्स, बायोस्फेयर रिजर्व्स। फिर बायोस्फेयर रिजर्व्स भी अब दो तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल एंड मेराइन। ओके, देन प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे आपके आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सारे वो जगहें हैं या ये वो सारी प्लेसेस हैं जिनको क्या प्रोवाइड की गई है प्रोटेक्शन। ओके, और ये किस में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में। देन नेक्स्ट अप्रोच इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में जैसे तीन चीज़ें हैं, सीड बैंक्स हो गए, जीन बैंक्स हो गए, क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड्स हो गए, एनिमल ट्रांसलोकेशन हो गया, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए। तो अब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जो ये बेसिक अप्रोचेज हैं इनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हमारा सबसे पहला मेथड है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, ऑन साइट कंजर्वेशन। मीन्स जहाँ पे स्पीशीज अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता हो, या अगर कोई भी सपोज कोई भी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होगा जहाँ पे स्पीशीज रहता हो, उसको उसी के हैबिटेट में कंजर्व करना, उसको आप बोलते हो इन सीटू कंजर्वेशन। मींस कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन नेचुरल और ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन विच दे अकर। जिस भी हैबिटेट में, जिस भी इकोसिस्टम में या जिस भी एनवायरनमेंट में स्पीशीज रह रहा है, उसको उसी के नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व कर लेना, उसको आप क्या बोलते हो, इन सीटू कंजर्वेशन। अब हमारे इसमें क्या आती हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज। इन सीटू कंजर्वेशन में आपके प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जिनको बाउंड्रीज, विद इन बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज टोटल इंडिया में कितने हैं, 981 टोटल एरिया, मतलब टोटल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं 981। इसमें से 104 नेशनल पार्क्स हैं, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। एज यूजुअल मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है ये। तो नेशनल पार्क्स क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया जिसको स्ट्रिक्टली रिजर्व किया हुआ है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ठीक है, स्ट्रिक्टली रिजर्व का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज की कंजर्वेशन ही हो रही है। यहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट्री, लाइक कोई फॉरेस्ट नहीं बना रहे, कोई ग्रेजिंग नहीं करवा रहे, या कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही, किसी प्लांट की कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी वगैरह ऐसा टाइप कुछ नहीं कर रहे हैं। इन टाइप की एक्टिविटीज़ परमिट नहीं होती है इन जगह पे। मींस ये एक ऐसा एरिया है विच इज़ स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर दी वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल आती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सबसे पहला नेशनल पार्क था जो बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको और भी बोलते हैं हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, HALEY, हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। किसके लिए स्पेसिफिकली ये रिजर्व किया गया है, टाइगर। देन गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। आप याद रख सकते हो गिर से गुजरात, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। वहाँ पे स्पेसिफिकली किनको कंजर्व किया जाता है, एशियाटिक लॉइंस और लेपर्ड्स। ठीक है, देन थर्ड एग्जाम्पल इज काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। यहाँ पे राइनोज या वाइल्ड वाटर बफेलोज इनको कंजर्व किया जाता है। देन उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे J&K के नेशनल पार्क्स लिखे हुए हैं। टोटल हमारे J&K में 5 नेशनल पार्क्स हैं, लद्दाख के अभी एक इसमें इंक्लूड किया गया है। 5 नेशनल पार्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है दाचिगम, नंबर सेकेंड इज काजीनाग, नंबर थर्ड इज सलीम अली नेशनल पार्क, नंबर फोर्थ इज हेमिस नेशनल पार्क, नंबर फिफ्थ इज किश्तवाड़ हाई आल्टीट्यूड। सबसे पहला आता है आपका दाचिगम नेशनल पार्क। तो दाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, हंगुल डेयर के लिए, जिसको आप क्या बोलते हो, कश्मीरी स्टैग। ठीक है, दाचिगम नेशनल पार्क जो है इट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हंगुल डेयर। और यहाँ पे और क्या, मतलब और कौन सी स्पीशीज है, ब्लैक बुलबुल। ओके, देन काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क में क्या है, काजीनाग नेशनल पार्क में बटरफ्लाइज की 17 डिफरेंट स्पीशीज है, और वो डिफरेंट स्पीशीज जो है वो यूनिक भी है और एंडेंजर्ड भी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो काजीनाग में बटरफ्लाइज की 17 डिफरेंट स्पीशीज को कंजर्व किया गया है। और काजीनाग में एक बहुत खास बात है, यहाँ पे एक एनिमल को कंजर्व किया जाता है, दैट इज मार्कहोर।
दिस मारखोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर, तो इसको कंजर्व किया गया है काजीनाग नेशनल पार्क में. ओके, नंबर थर्ड इज सलीम अली नेशनल पार्क. ये सलीम अली कौन थे? ये सलीम अली इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं. ओके, तो ये इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे ये नेशनल पार्क बनाया गया. ये जो नेशनल पार्क था ये सबसे पहले हांगुल डियर का होम था. हांगुल डियर को यहाँ पे पहले कंजर्व किया जाता था. तो अभी यहाँ पे जैसे हिमालयन ब्लैक बेयर भी है, हिमालयन सिरो है, और बर्ड्स की 70 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क में. लेकिन हांगुल डेयर को फिर डाचिगम शिफ्ट कर दिया गया. हांगुल डेयर फिर सलीम अली नेशनल पार्क में नहीं रखा गया. बाद में सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? गोल्फ कोर्स में. इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इन टू गोल्फ कोर्स. ओके, देन फोर्थ इज हेमिस नेशनल पार्क. हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? लद्दाख में. एंड इट इज़ स्पेसिफिकली मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड. यहाँ पे स्नो लेपर्ड की स्पेसिफिकली कंजर्वेशन की जाती है. एंड तिब्बतन वुल्फ की यहाँ पे कंजर्वेशन की जाती है. नंबर फिफ्थ इज किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड. तो किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? इसमें यहाँ पे 15 मैमल्स हैं, 15 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मैमल्स हैं. और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो हांगुल डियर है जब वो माइग्रेट होता है तो वो डाचिगम से कहाँ आता है? किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड में. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसकी माइग्रेटरी प्लेस है. किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड जो है वो हांगुल डियर की माइग्रेटरी प्लेस है. तो यहाँ पे हांगुल डियर जो है वो डाचिगम से माइग्रेट होके आता है. तो ये आपका आगे कुछ नेशनल पार्क्स हैं. ये इंडिया में अलग अलग नेशनल पार्क्स हैं और ये 5 नेशनल पार्क्स जो है वो J&K के हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? ये भी प्रोटेक्टेड एरिया ही है, बट इट इज़ स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनिमल्स. जैसे नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में प्लांट्स की स्पीशीज़ की भी कंजर्वेशन की जाती है. जो कि सिंगल स्पीशीज़ हो, जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज़ हो, उनकी भी कंजर्वेशन की जाती है. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की कंजर्वेशन के लिए ही होता है. ओके, वहाँ पर प्लांट्स की आप कंजर्वेशन नहीं करते हो. ठीक है, तभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल जैसे टिम्बर हार्वेस्टिंग हो गया, टिम्बर की लकड़ियाँ इकट्ठे करना, या कुछ छोटे छोटे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ भी सिर्फ उसी एक्सटेंट तक अलाउड होती है जब तक कि वो एनिमल्स को हार्म ना करें. अगर कभी भी ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिससे एनिमल्स को हार्म हो रहा हो तो वो एक्टिविटी प्रोहिबिट कर सकती है गवर्नमेंट. लेकिन जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल टिम्बर हार्वेस्टिंग या कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, दीज आर अलाउड टू अ सर्टन एक्सटेंट, मतलब अनटिल एंड अनलेस दे डू नॉट हार्म द एनिमल्स. बाउंड्रीज, जो सेंचुरीज की बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है. इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है कि इतने से इतने एरिया में ही ये प्रोटेक्टेड रहेगा. इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है और यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी परमिटेड होती है. मतलब वही सेम है कि अप टू सर्टन एक्सटेंट जब तक वो एनिमल्स को हार्म ना करे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कन्वर लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बिहार में है, सिटी बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंडीगढ़ में है, इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी ये गुजरात में है. वैसे ही J&K में टोटल 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ठीक है, अब मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं. जैसे सबसे पहले आपके आगे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है. लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट. लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है. हीरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिस इज इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट. फिर राजबानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अगेन. काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लेह में है. शैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लेह में है. रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जम्मू में है. जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कठुआ में है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है. सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उधमपुर सांबा एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मिड में फॉल करता है. नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जम्मू में है. थजवस और बलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गांदरबल में है. एंड लास्ट इज त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रियासी में है. सो व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जिसमें आप सिर्फ एनिमल्स की कंजर्वेशन करते हो, उसमें कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है जब तक वो एनिमल्स को हार्म ना करे, और यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज कोई डिफाइन नहीं होती एंड टूरिस्ट एक्टिविटी इज परमिटेड. हमारा नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स? बायोस्फीयर रिजर्व एक एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन भी
एक पार्ट होते हैं उसका, लाइक ह्यूमन पॉपुलेशन की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है. जब हम बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ भी कंजर्व करते हैं तो उसमें ह्यूमन पॉपुलेशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती है. तो इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे आप स्पीशीज़ को कंजर्व करते हो, मेड बी प्लांट और मेड बी एनिमल, लेकिन जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन का भी थोड़ा बहुत रोल होगा ही होगा. ओके, सो देयर आर 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड, जिसमें 18 हमारे इंडिया में है. अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के तीन जोन होते हैं. नंबर फर्स्ट इज़ कोर जोन, नंबर सेकेंड इज़ बफर जोन, नंबर थर्ड इज़ ट्रांजिशन जोन. कोर जोन कौन सा होता है? जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है, इनर मोस्ट जोन होता है, जहाँ पे जो जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको उन्हीं के हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है, एंड इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. उस एरिया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लाइक वहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होती है, एंड इट इज़ लीगली प्रोटेक्टेड. ओके, सो कोर एरिया कौन सा होता है? कोर एरिया होता है जो सबसे इनर मोस्ट होगा, जो कि एकदम अनडिस्टर्ब्ड होगा और लीगली प्रोटेक्टेड होगा. दैट इज़ द कोर जोन. देन आता है बफर जोन. बफर जोन जो है वो कोर और ट्रांजिशन के बीच का जोन होता है. तो ये जो बीच वाला जोन है, यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं? जैसे किसी को रिसर्च करनी हो, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं या जो भी स्कॉलर्स वगैरह होते हैं जिनको रिसर्च पर्पस के लिए कोई काम हो, वो वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ रिसर्च कर सकते हैं. या जैसे किसी स्कूल कॉलेजेस में जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशनल टूर होते हैं, तो वो वहाँ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड होती हैं. देन लास्ट इज़ दी ट्रांजिशन जोन. तो ट्रांजिशन जोन सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है. यहाँ पे क्रॉपिंग भी होती है, यहाँ फॉरेस्ट्री भी होती है, यहाँ रिक्रिएशन लाइक मीन्स पिकनिक वगैरह भी यहाँ पे अलाउड की जाती है. सो दिस इज़ दी आउटर मोस्ट पार्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दी कोर जोन. ये सबसे इनर मोस्ट जोन होता है, यहाँ पे स्पीशीज़ को कंजर्व किया जाता है, एंड इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड लीगली प्रोटेक्टेड. देन बफर जोन दोनों के बीच का जोन है, कोर एंड ट्रांजिशन. यहाँ पे रिसर्च वर्क और अगर कोई एजुकेशनल एक्टिविटी होगी, लाइक कोई एजुकेशनल टूर होगा, वहाँ पे ये अलाउ किया जाता है. लास्ट वन इज़ द ट्रांजिशन जोन, जो सबसे बाहर वाला एरिया होता है. वहाँ पे क्रॉपिंग भी आप करवा सकते हो, वहाँ पे फॉरेस्ट्री भी होती है, वहाँ पे आप फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हो. ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड होती हैं. ओके, अब यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. मैंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम लिखे हुए हैं. जैसे सबसे पहला इज़ नीलगिरी. नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इट इज़ तमिलनाडु, केरलाइन, कर्नाटका, मिड बिटवीन तमिलनाडु, केरलाइन, कर्नाटका, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. देन सेकेंड इज़ नंदा देवी, दैट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड. देन थर्ड इज़ नोकरेक, ये मेघालय में है. फोर्थ इज़ ग्रेट निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है. देन गल्फ ऑफ मन्नार, दैट इज़ तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये है. देन मानस, दैट इज़ असम. देन सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल. सिमलीपल, दैट इज़ उड़ीसा. दिब्रू सिखुआ, दैट इज़ असम. देन दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है. पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है. हैंगशेंग जोंगा, ये सिक्किम में है. अगस्त्य मलाय, ये केरला में है. देन अचाना कमार अमरतन, दैट इज़ छत्तीसगढ़. देन कच्छ, ये गुजरात में है. कोल्ड डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश. शीशाचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है. एंड द 18th वन, दैट इज़ पन्ना, ये है मध्य प्रदेश में. सो दीज आर सम 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये आप इनको याद कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन. तो ये हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, ये उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं. ओके ओके क्लास, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्रेड ग्रूव्स. सो व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स? सेक्रेड ग्रूव ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो वर्शिप की प्लेस के अराउंड रीजनरेट हो जाएं. लाइक अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, कोई मंदिर है या कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस है जिसके आसपास फॉरेस्ट जो है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएं, तो उस पूरी प्लेस को आप क्या बोलोगे? सेक्रेड ग्रूव. ओके, सो दीज आर दोज फॉरेस्ट विच आर रीजनरेटेड अराउंड द प्लेसेज ऑफ वर्शिप. कोई भी प्लेस हो, वेदर इट इज़ अ मंदिर और एनी थिंग एल्स, कोई भी प्लेस हो जिसके अराउंड एक मतलब फॉरेस्ट का रीजनरेशन हो जाना, एक बड़े फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का रीजनरेट हो जाना, उस पूरे एरिया को क्या बोला जाता है? सेक्रेड ग्रूव. जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स, ये मेघालय में है, दिस इज़ अ सेक्रेड ग्रूव. अरावली हिल्स, ये राजस्थान में है. वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये देन सरगुजा, चंदा एंड बस्तार, ये मध्य प्रदेश में है. तो ये कुछ आपके
सेक्रेड ग्रूव्स हैं, ओके, मीन्स दीज आर सम फॉरेस्ट जो किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के अराउंड डेवलप हो गए होंगे, ठीक है। अब जो ये फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे डीफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है बाय ट्राइबल्स। जो उस फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी या जो उस फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल लोग होते हैं, जो वहीं पर रहने वाले लोग होते हैं, उन्होंने उस एरिया में डीफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की होती है, क्योंकि वहाँ पर उनकी लाइक सम होली फीलिंग्स और रिलीजियस फीलिंग्स जुड़ी होती हैं उस एरिया के साथ। तो ट्राइबल पीपल उस एरिया में सेक्रेट ग्रूव में डीफॉरेस्टेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की होती है। ओके, नाउ देयर आर सम सेक्रेट लेक्स, कुछ पांच सेक्रेट लेक्स हैं हमारी इंडिया में, जैसे कि फर्स्ट इज मानसरोवर, ये माउंट कैलाश के पास है। सेकंड इज बिंदु सरोवर, ये गुजरात में है। थर्ड इज पंप सरोवर, ये कर्नाटका में है। पुष्कर सरोवर, इट इज़ इन राजस्थान। एंड लास्ट इज नारायण सरोवर, दैट इज़ इन गुजरात। ये कुछ पांच वेरी इंपॉर्टेंट सेक्रेड लेक्स हैं हमारी इंडिया में, तो जिनको आप एक बार लाइक मेमोराइज कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है इन सीटू कंजर्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट शुरू होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता था? इन साइट मीन्स आप एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीशीज को उसी के नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हो। नाउ कम्स एक्स सी टू कंजर्वेशन। एक्स सी टू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। मीन्स आप इसमें क्या कर रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बाहर उनको कंजर्व कर रहे हो। तो इसमें भी अब अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला है सीड बैंक और जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक। ओके, सो ये सीड बैंक, जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक ये क्या चीज़ होती है? कभी कभार क्या होता है कि कोई प्लांट ऐसा होता है जिससे आप बार 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 लाइक ग्रो नहीं करवा सकते, उसका सीज़न इतना होता नहीं, लाइक उसके सीड आप नहीं प्रिजर्व कर पाते हो। कभी कभार किसी सीज़न की वजह से वो प्लांट इतना यील्ड नहीं दे पाता है। तो आप क्या करते हो, इन ऑर्डर टू कंजर्व, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट प्लांट, आप क्या करते हो, आप उस प्लांट का सीड या उस प्लांट्स के सीड्स, बहुत सारे सीड्स आप क्या कर लेते हो, स्टोर कर देते हो। तो ऐसी जगह जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हो? सीड बैंक और जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक। लाइक जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, वैसे ही एक प्लेस होती है जहाँ पे सीड्स को स्टोर किया जाता है। सीड्स लाइक जो बहुत ही रेयर प्लांट्स हों या जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हों या बहुत ही यूनिक प्लांट्स हों, उनके सीड्स को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ जर्म प्लाज्म? यहाँ पे मैंने जर्म प्लाज्म वर्ड का यूज़ किया है। व्हाट इज़ जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म एक्चुअली इसका मतलब होता है कोई भी लिविंग प्लांट ऑर्गन, मतलब किसी भी लिविंग प्लांट का कोई ऑर्गन या किसी भी लिविंग प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट। वो पार्ट एक सेल भी हो सकता है, वो पार्ट एक टिश्यू भी हो सकता है। कोई भी लिविंग प्लांट का ऑर्गन, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट्स हो, ठीक है, किसी भी लिविंग प्लांट का ऑर्गन या उस लिविंग प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट, जिसकी वजह से आप एक पूरा नया प्लांट जनरेट कर सकते हो, उस पार्ट को आप क्या बोलते हो? जर्म प्लाज्म। ओके, मीन्स एनी लिविंग प्लांट ऑर्गन, कोई भी लिविंग प्लांट ऑर्गन लाइक रूट्स, लीव्स, स्टेम, कोई भी लिविंग प्लांट ऑर्गन या उस लिविंग प्लांट और मतलब उस लिविंग प्लांट का कोई पार्ट, वेदर इट इज़ अ टिश्यू, वेदर इट इज़ अ सेल, कुछ भी, जिसकी वजह से, जिस पार्ट की वजह से आप एक नया प्लांट जनरेट करवा पाओ, उस पार्ट को या उस ऑर्गन को आप क्या बोलते हो? जर्म प्लाज्म। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सीड्स को स्टोर करते हैं, तो सीड एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ लिविंग प्लांट ऑर्गन, या ऐसा बोल सकते हो इट इज़ अ लिविंग प्लांट पार्ट। ये एक लिविंग प्लांट का पार्ट है, इसको आप क्या कर रहे हो? उसको स्टोर कर रहे हो। तो जिस जगह आप उसको स्टोर करोगे, वो आपका क्या बन जाएगा? सीड बैंक और जीन बैंक और जर्म प्लाज्म बैंक। ओके, अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? जीन बैंक में कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? दैट इज़ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होती है? क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं एट -196 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रखना होता है वेरी लो, दैट इज़ -196 डिग्री सेल्सियस। उसमें लिक्विड नाइट्रोजन को, मतलब उस टेम्परेचर पे आप लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं,
उस लिक्विड नाइट्रोजन में आप ये सीड्स को स्टोर करते हैं ताकि जब भी आपको फ्यूचर में इन सीड्स की ज़रूरत पड़े आप वहाँ से निकाल के उनको सो कर सकते हो, लाइक उनको यूटिलाइज कर सकते हो फ्यूचर में। क्योंकि कभी कभार मतलब लाइक बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कुछ सीजन्स में डोरमेंट होते हैं, जो नहीं ग्रो करेंगे, तो आप उनको कुछ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो कि वो ख़राब ना हो, तो आप उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हो। तो इस टेक्निक को आप क्या बोलते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ओके, यहाँ पे ये टेक्निक यूटिलाइज की जाती है जब भी आपको सीड्स को स्टोर करना हो। एंड कभी कभार प्लांट्स को भी आप प्रोपगेट कर सकते हो, लाइक प्लांट्स को भी आप ग्रो करवा सकते हो, प्लांट्स की भी आप रिप्रोडक्शन करवा सकते हो। आपने पढ़ा होगा 10th में भी ये प्रोसेस, दैट इज़ टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन, जिसमें टिश्यू एक लिया जाता है प्लांट का, उसी को डिवाइड करवाया जाता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो टिश्यू जो है वो आगे एक एम्ब्रियॉइड में बने, देन उसके बाद वो छोटे छोटे प्लांटलेट्स में बने, और आप वो बहुत एक छोटे से टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हो। तो इस पूरे एरिया मतलब इस पूरे प्लेस को आप क्या बोलते हो जहाँ पे आप ये सब टेक्निक्स यूज़ करते हो, दैट इज़ सीड बैंक, जीन बैंक और जर्मप्लाज्म बैंक। तो ये होता क्या है, दिस इज़ एक्सीटू कंजर्वेशन। क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, आपने प्लांट का पार्ट या किसी भी लिविंग प्लांट का ऑर्गन निकाल के उसको प्रोपगेट करवा रहे हो, उसमें से दोबारा से प्लांट्स को रीजनरेट करवा रहे हो, तो आपने उसके हैबिटेट में से उसको बाहर निकाल के प्रिजर्व किया है, तो दिस इज़ एक्सीटू कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट इज एनिमल ट्रांसलोकेशन। सो व्हाट इज एनिमल ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके पुराने हैबिटेट से उठा के किसी नई लोकेलिटी में ले लिया जाता है, लाइक उनको अपने पुराने हैबिटेट से ले जाकर किसी नई लोकेलिटी में रिलीज करवा दिया जाता है। इसके रीज़न क्या है, लाइक क्यों हमने एनिमल की ट्रांसलोकेशन करवाई, या तो ऐसा हो सकता है कि जिस हैबिटेट में वो स्पीशीज रह रही है वो एंडेमिक हो चुकी है, लाइक वेरी रेयर टू अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, या तो स्पीशीज एंडेमिक हो गई है, या तो उस स्पीशीज का हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो उस एरिया में उस स्पीशीज की पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई है, तो हम उस स्पीशीज से वो सॉरी उस एरिया से वो स्पीशीज ले जाके किसी नई लोकेलिटी में रिलीज करवा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एनिमल ट्रांसलोकेशन। तो ये भी एक तरीका है कंजर्व करने का, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। थर्ड इज़ बोटानिकल गार्डन। तो बोटानिकल वर्ड से ही क्या पता चलता है, लाइक विच इज़ मेंट फॉर प्लांट्स। तो बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ऐसी प्लेस जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड डिस्प्ले टू द पब्लिक, लाइक लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाना। मतलब बोटानिकल गार्डन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाना हमारे प्लांट्स के बारे में, उनके मेडिसिनल यूजेस के बारे में, उनके रिलीजियस पर्पस के बारे में, उनकी कंजर्वेशन के बारे में। तो ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, एक तो साइंटिफिक स्टडी के लिए कि जो रिसर्चर्स या जो साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट्स पे स्टडी कर रहे हों उनके लिए ये प्लेस है, एंड पब्लिक के लिए डिस्प्ले की प्लेस है, इसमें एजुकेशनल वैल्यू भी है। सो इट इज़ अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड डिस्प्ले टू दी पब्लिक। इंडिया में हमारे पास टोटल 36 बोटानिकल गार्डन्स हैं, जिनमें से कुछ के नाम है जैसे लाइक लॉयड बोटानिकल गार्डन जो दार्जिलिंग में है, इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, और भी बहुत सारे बोटानिकल गार्डन है। ओके, जे एंड के जैसे बागे बहु, मुगल गार्डन्स या कोकरनाग बोटानिकल गार्डन, ये जे एंड के बोटानिकल गार्डन्स हैं। ठीक है, तो ये बोटानिकल गार्डन्स किस लिए होते हैं, प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए। ओके, देन फोर्थ वन इज जूलॉजिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स और जू, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो जू। ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को मेंटेन किया जाता है, लाइक इसमें क्या करते हैं, एनिमल्स को कैप्चर करते हैं और उनको मेंटेन भी किया जाता है, लाइक एनिमल्स आर मेंटेन्ड इन कैप्टिविटी। ओके, तो हमारे इंडिया में कितने जूलॉजिकल पार्क्स हैं, 164 जूलॉजिकल पार्क्स। जैसे जे एंड के में कौन सा है, जैसे मांडा जू आप लोग जानते होंगे, जे एंड के में मांडा जू है, तो और जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, या मैसूर जू। तो ये कुछ जूलॉजिकल गार्डन्स हैं जिसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स को कैप्चर किया जाता है एंड दे आर मेंटेन्ड इन कैप्टिविटी। ओके, अब इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल एफर्ट्स।
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो हमने ये सब चीज़ें की वो तो चलो अपनी नेटिव चीज़ें हैं, अब कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं जो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए आगे आई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है द अर्थ समिट, ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो इन 1992। ठीक है, ये अर्थ समिट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एफर्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देन सेकेंड इज द वर्ल्ड समिट, ये वर्ल्ड समिट क्यों हुआ था, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका इन द ईयर 2002। तो दीज आर टू इंटरनेशनल एफर्ट्स विच वर मेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, सो तब तक के लिए थैंक यू।